मुनाफे का फंडा, हमारे इस खास सेगमेंट में हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स को जुड़ने का। हमारे साथ इन्वेस्ट शॉपी के सीईओ आशीष कपूर जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट पिक्स। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से सेक्टर्स हैं आपके रेडार पर और कौन से दो दमदार स्टॉक्स इस वक्त आप सुझा रहे हैं? देखिए, मेरे मुताबिक दो सेक्टर इस इकोनॉमी में अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक तो ऑटो है और दूसरा कंजम्पशन। और टू अ लार्ज एक्सटेंट ग्लोबली जो विंड्स हैं हमें इफेक्ट करेंगी, बट वी बिलीव कि जो डोमेस्टिक जो है कंजम्पशन पैटर्न वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है और वो काफी हद तक इसको विदहोल्ड कर सकता है। तो पहला मेरा होगा अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड एक तरह से रीरेट हो रहा है स्टॉक, काफी देर कंसोलिडेशन के बाद एक स्टॉक कंपनी में एक तरह से बहुत अच्छा ग्रोथ मोमेंटम आ रहा है। सीवी सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है और उसका अशोक लेलैंड को काफी फायदा हो रहा है। इसमें एक तरह से जो 4 ईयर साइकिल होता है ट्रक्स का वो भी दोबारा से स्टार्ट होने वाला है, तो उसलिए हमारे मुताबिक अगले 1-1.5 साल सीवी डिमांड बहुत रोबस्ट रहेगी, तो इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक थोड़ा करेक्ट भी हुआ है और मेरे मुताबिक अभी 150 के आसपास स्टॉक या 150 के नीचे अगर स्टॉक मिलता है तो आपके लिए काफी अच्छा अपसाइड है। 190 का टारगेट है हमारा यहाँ पे, जो कि मेरे मुताबिक इतना से काफी आउट परफॉर्म भी कर सकते हैं। अगर मार्केट में तेजी नहीं भी आती तो ये यहाँ से आपको 30% तक का रिटर्न वो अपसाइड पोटेंशियल दे सकता है। दूसरा जो कंजम्पशन स्पेस की मैंने बात की उसमें टाटा कंज्यूमर हमें अच्छा लगता है। स्टॉक ये भी करेक्ट किया है, इसमें थोड़े कंसर्न भी थे क्योंकि टी की क्रॉप डैमेज हुई थी, पर अब दोबारा टी प्राइसेस स्टेबल हो गई है तो इनके मार्जिन आगे इम्प्रूव होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर एक तरह से काफी हद तक अब एक पूरा कंजम्पशन कंपनी बन गया है, इसमें और बहुत प्रोडक्ट्स जुड़ गए हैं और टाटा केमिकल्स और बाकी कई प्रोडक्ट्स इसमें आए हैं, तो इस तरह से इनका जो पूरा बुके है प्रोडक्ट्स का वो काफी लार्ज है और काफी हद तक अगर सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन किया जाए तो अभी भी ये काफी डिस्काउंट पे चल रहा है। हालांकि ऑन नॉर्मल बेसिस इनमें लुक एक्सपेंसिव है, बट अगर सारे बिजनेसेस को इकट्ठा जोड़ा जाए तो अभी भी इसमें काफी पोटेंशियल है। इसमें हमारा टारगेट 1050 का है, जो मेरे मुताबिक अगेन ये क्योंकि डिफेंसिव प्ले माना जाता है, डिफेंसिव प्ले में अगर काम मार्केट में भी ये आपको रिटर्न दे सकता है तो यहाँ से ये भी 30-40% अपसाइड पोटेंशियल देता है और इसको भी अगर आप डिक्लाइंस में ऐड करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रिटर्न अगले 1 साल में दे सकता है। ठीक है, और राइट आशीष, तो आपकी दो फंडामेंटल पिक्स यहाँ रहेंगी, पहली टाटा कंज्यूमर कंजम्पशन स्पेस से और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में जिस स्टॉक पे बुलिश है आशीष वो है अशोक लेलैंड, इन्हें आप पोर्टफोलियो में ऐड करें। बहुत बहुत शुक्रिया।